ये है रास्ता आगे से है मंदिर, यहाँ से दिख गया है। एक फोटो तो बनता है वैसे। दर्शन दर्शन हो गए, मोबाइल और ये सब कलेक्ट भी कर लिया है। बाबू रो रहा था टॉय के लिए, तो उनका उसे टॉय दिला रही है, तो वहाँ चलते कहाँ पे इतनी भीड़ हो जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू मनी ब्लॉग। हम लोग थोड़ा आराम करने के बाद निकले हैं अभी द्वारकाधीश के दर्शन करने। धूप अभी भी है हल्की फुल्की, बट हम सब लोग रेडी होके निकले हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे शायद 500 मीटर है यहाँ से, तो थोड़ा ट्रैवल करके मतलब पैदल चलते हुए जाएंगे अगल बगल गलियाँ देखते हुए कैसी हैं क्या हैं, और दर्शन करेंगे। देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं, कितनी भीड़ है क्या है, वो आपको दिखाता हूँ। ये गली है, इस गली से सीधे जाना है यहाँ से, अभी 450 मीटर बचा है। अगल बगल शॉप है, ऊपर बीच में लोग ऊपर डाल के रखे हैं तिरपाल टाइप का, ताकि धूप ना आए ज़्यादा। बच्चे लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं। हाँ पूरा भोग ले लो, ये लोग खा लेंगे भैया। ये कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर। हाँ अच्छा, इसी के अंदर थे नहीं, एंट्री कहाँ से कर रही है? मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है मंदिर में। हाँ तो अभी जा रहे उसको लॉकर रूम में रखने, लॉकर रूम में रख के फिर दर्शन करके फिर निकालेंगे। यहाँ पे है लॉकर रूम, यहाँ पे। दर्शन दर्शन हो गए, मोबाइल और ये सब कलेक्ट भी कर लिया है। बाबू रो रहा था टॉय के लिए, तो उनका उसे टॉय दिला रही है, तो वहाँ चलते कहाँ पे इतनी भीड़। क्या लेना है? जल्दी ले लो बेटा, जो लेना है वो ले लो। ए संदीप जो भाई है, ले लो ले लो ले लो, यही ले लो यही ले लो। चलो ये टॉय खरीदे हैं। ये जय श्री द्वारकाधीश। थोड़ा शॉपिंग टाइम भी ले लेते, द्वारका देते बांसुरी, उसमें मोर का पंख, देन ये ले लेते हैं दरवाजे पे चिपकाने के लिए, जय श्री द्वारकाधीश। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लेने लायक, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं द्वारकाधीश का। हाँ ले लो ले लो ले लो, जो अच्छा लगे कुछ भी ले लो। लड़का मोड़ दिया इसको। उसको क्यों दिया तुमने भाई, क्या करें? उसको क्यों दिया? ले लिया, ले लिया नहीं, उसको ना दो नहीं तो तोड़ देगा। हाँ भाई हालत बहुत खराब है, पसीना बहुत है। देखो जून का मंथ है, जब 32-33 डिग्री ही है, लेकिन हालत ख़राब है बिल्कुल पसीने से। और शाम का जबकि 6:30-7 बज रहा है, तब भी दोपहर में 12-1 बजे क्या हाल होता होगा। इसीलिए दोपहर में बंद रहता, कितने बजे? 12-1 बजे खुलता है, 5 बजे खुलता है। हाँ 5 से 9:30। अभी चलते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको दूंगा कि कैसे दर्शन होते हैं, कैसे हम लोगों ने दर्शन किए, किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है, किस लाइन में डायरेक्ट आपको सीधे दर्शन होंगे, प्रसाद आपका भी चढ़ेगा, किस लाइन से प्रसाद नहीं चढ़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइन सेम है बट अंदर जाके अलग हो जाता है, वो दिखाऊंगा आपको। और वो देखिए झंडा, हम लोग के सामने वो झंडा फहराया गया, सबसे ऊपर एक भक्त चढ़े थे जो यहाँ का सेवक हैं, वो काम करते हैं, ऊपर चढ़े, उन्होंने झंडा फहराया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आँखों के लिए बहुत अच्छा था, बट मोबाइल कैमरा अंदर अलाउ नहीं था तो दिखा नहीं पाया मैं, बट आप यूट्यूब पर कहीं पर डाल के किसी पर देख सकते हैं झंडा कैसे चेंज होता है। और पानी ले लो, पी लो, और ले लो पानी। अरे पानी लगेगा, इतना पानी तो यहाँ यहाँ हो गया, पूरा पसीना हो गया यहाँ यहाँ। ले लो पी लो, पानी तो लगते हैं। और लेकर आओ पानी, तो मुझे भी पीना है। ले आओ पानी, लेकर आओ पानी, लेकर आओ। बिल्कुल गर्मी, पसीना बहुत मैं आगे डाल दे, पानी ले लो पानी। पैसे नहीं है, छुट्टा मेरे पास भी नहीं है। 100 के नोट, 100 के नोट ही दे दो। ले आओ पानी ले आओ। अब जाके भीड़ थोड़ी बड़ी, जब हम लोग एंट्री कर रहे थे 6:15 बजे तब उतनी भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ बड़ी है। ये एंट्री इधर से होता है। मम्मी को बोल रही थी हम सो जाते तो अब
द्वारकाधीश मंदिर में हम लोग ने थोड़ा दान पुण्य किया तो ये थाली मिली। वहाँ के पंडित बोल रहे थे कि हाँ ये थाली प्रसाद मिला। वहाँ के पंडित बोल रहे थे कि हर दिन 4 थाली का ये भोग लगता है, तो बहुत जो बहुत ज़्यादा ही धन्य हुए होंगे, लकी होंगे, और ये तुलसी का पत्ता जो ज़्यादा बहुत धन्य होता है उनको 4 लोग को ये थाली मिलती है, 4 ही लोग को मिल पाती है, उसके बाद में जो दान करे उसको नहीं मिल पाती है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली रहे हैं, ये कितने भाग्यशाली रहे हैं कि हम लोग को 4 थाली में से 1 थाली हम लोग को मिली। और ये पंडित जी ने बोला है कि इसको आप 2 घंटे में ख़त्म कर दो क्योंकि सारा ही देसी घी से बनता है, अच्छा रहता है। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु ने हमें चुना है इस प्रसाद के लिए। तो हम लोग चलिए इसको खा के फिनिश ही करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। खाना है तो कौन सा खाओगे? वो हाँ वो उठा खाएंगे, चलो खाते हैं। हाँ केसर का ये कुछ तो है, ये कुछ तो आलू वालों का सब्जी, एक मैं बेटा दे रहा हूँ। नहीं कुछ तो आलू का ये मिठाई है, दही है, पूड़ी है, ये भी कुछ मठरी टाइप का ही है, बट अच्छा लग रहा है, घी का बना है, खाते हैं। मंदिर से ओके, अभी तो राज को बीच घूमना था तो उसके जस्ट मंदिर के पास में ही बीच है। हम लोग अपने होटल के सामने से होते हुए बीच की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ बीच घूमते हैं। मैंने उससे बोला था सैंड बीच दिखाना, अभी ये तो मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह है, यहाँ पे सब कैमल राइड कर रहे हैं। भाई ये बीच नहीं चाहिए था यार, आराम से जाना बेटा उधर। हाँ यार वो सैंड बीच उधर चाहिए, इधर यार सैंड बीच नहीं है। चलो तभी थोड़ा आगे से चलते हैं, वहाँ जो चढ़ने वाला है। ये सैंड बीच तो है बट ये क्रॉस करके बच्चे के साथ जाना, मैं तो जा नहीं पाऊँगा, अकेला होता तो मैं चला जाता। और उधर है, उधर से हो सकता है, उधर से अगर उधर जाना है तुम्हें, तो जाना है इधर से थोड़ा, तो जाना है कूद के चले जा, सब लोग जा रहे हैं, देखो वहाँ जा सकते हो, थोड़ा ऐसे जा सकते हैं। लेकिन अच्छा तो लग रहा, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी हवा। ये देखो रास्ता मिल गया नीचे आने का, इधर से ये सीढ़ी थी, उधर से उतर आए तो राज वहाँ पे मौज मस्ती कर रहा। और ये बैठ, अच्छा चल, यहाँ तुम्हारी क्यों हालत ख़राब है, जबकि ये यहाँ दूर बैठा है, इतनी अच्छी जगह ऊपर बैठा है, तो थोड़ा सा पानी यहाँ आ जा रहा है, परेशान ना हो। डैडी 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 डैडी, अच्छा अच्छा। थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, मज़ा आई, करीब 20-25 मिनट बैठे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी देर बाबू भी मिट्टी वट्टी में खेला, फोटो वोटो खिंचाए हम लोग। अभी हम लोग निकल रहे उसको बाथरूम आगे, टॉयलेट आ गई, तब घर जाते हैं। आ जाओ चलें बाबू, जाते थोड़ा सा आराम करते हैं यार, अब बहुत थक गए हैं। तो भाई दर्शन हो गए हमारे और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, धोखा हो सकता है, पहले मैं बताता हूँ, हमारा होटल है, होटल से 450 किलोमीटर पे ही मंदिर है, और मीटर पे सॉरी आया 450 मीटर पे ही मंदिर है और 200 मीटर पे बीच है, ईजली एक्सेसिबल है। तो आप यहाँ आ गए अगर तो पैदल इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, इतना ईजी है। और इतनी धूप में आपको गाड़ी वाड़ी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पार्ट में जिस एरिया में रुका हूँ सबसे अच्छा होटल यही है, बहुत अच्छा है, इनका रेस्टोरेंट भी है और फैसिलिटी भी अच्छी है, रूम तो आपने देखा ही, रूम भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब मंदिर की हम लोग बात करते हैं, शाम 5 बजे खुलता है, 5:15 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे, 5:30-5:30 बजे के बीच में। मोबाइल, डिजिटल घड़ी, कैमरा कुछ नहीं अलाउ था, तो हम लोग वहाँ, उनका भी लॉकर है, उसमें लॉकर में जमा के फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड देन बाहर दुकान वालों का लॉकर है, 50 रुपये लेते हैं वो, अपना 50 रुपये में एक पॉलीथीन में एक बैग में रख के आपको नंबर दे देते हैं, फिर आप जाओ प्रसाद वसाद ले लो वहीं से, फिर आके ले लो। स्लीपर्स बाहर उनकी दुकान पर रख दो या बाहर, उसके लिए भी लॉकर रूम बना है, एक बोरे में करके आप डाल दो, वो भी हो जाएगा। अंदर जाते हो, घुसते हो, लाइन ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, घुसते समय जब मंदिर आता है तो लेडीज़ की लाइन इस तरफ से, जेंट्स की लाइन ऐसे, मंदिर से पीछे घूम के जाने लंबी लाइन लगी रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, सिंगल लाइन लगेगी, आगे जाके वो लाइन 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 2 पार्ट में। पानी आ गया, वेट। हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो एक लाइन जाती है वो आगे 2 या 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ऐसे बैरियर बने हैं उसमें आप जा सकते हो। जाने के बाद सबसे राइट वाली लाइन का ड्रॉबैक क्या है, दर्शन तो होंगे, भगवान सामने दिखेंगे, अच्छे से दिखेंगे, दर्शन होंगे, बट वो ऐसे जाके ऐसे आप निकल जाओगे। उसके जो इधर वाली लाइन है वो सीधे आप जाओगे
इधर वाली लाइन में ऐसे जाके पंडित जी के पास आप जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं पाओगे, ऐसे क्या ऐसे निकल गए। अब वो लाइन वो थोड़ा आगे जाती है, तो इधर आप ऐसे निकल गए, कुछ प्रसाद दिए हो नहीं चढ़ा पाओगे, भगवान धाम को दान पेटी में जलना नहीं डाल पाओगे, ऐसे दूर से दर्शन किए चले गए। इधर वाली लाइन में आप आगे तक जाओगे, पंडित जी के पास जाओगे, अपना प्रसाद दोगे, वो एक बार चढ़ाएंगे रखेंगे जो भी फूल चढ़ाएंगे, फिर एक मिनट फिर से कोई आया। हाँ, तो बीच वाली लाइन से आप गए सामने, गए सामने बिल्कुल दर्शन हुए, एक मिनट तो नहीं रुक सकते, 5 सेकंड आप रुके, आपने उन्होंने प्रसाद दिया, अच्छा उन्होंने फूल निकाल के डाला, प्रसाद आपको वापस कर दिया, चढ़ा दिया, आप निकल गए। जो राइट वाली लाइन थी ना उसमें ऐसा नहीं है, ऐसे करके आप ऐसे निकल जाओगे और बीच वाली लाइन में थोड़ा आगे जाओगे। तो अगर भाई आप कभी भी आ रहे हो तो सबसे एक्सट्रीम राइट वाली लाइन ना लेना, सेंटर की लाइन लेना, बीच की नहीं। एक्चुअली लेफ्ट में पड़ गए थे। हाँ, बट वहाँ पे खड़ी रहती है बाहर की तरफ, मेरी तरफ नहीं थे, हटाया दे रहा था। करण ने दो चार लोग रिक्वेस्ट किया हम जाए क्या, तो करण ने जाओ 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 इधर, उनको बस प्रसाद पकड़ा दो, वो पंडित को दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, उनको वापस कर देते हैं। मेरे साथ के गए तो ऐसे थोड़ी करके बताएंगे, बट वहाँ तो जाया नहीं दे रहे थे, मतलब बीच वाली लाइन में तुम सामने खड़े होकर सामने से करवा लो। हाँ, मतलब प्रसाद में भी ऐसा नहीं कि वापस करवा देंगे, लेकिन ये कि आप खुद से पंडित जी के हाथ में नहीं दे पाओगे, आपको वो वहाँ पे कॉन्स्टेबल्स जो खड़े होते हैं उनके हाथ में। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो थोड़ा दूर रहता है तो आप पास कर दो, वो पंडित जी को दे देंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, लेके चले आएंगे मतलब। लेकिन बट अगर आना है तो बीच वाली लाइन लो भाई, लेफ्ट राइट वाली लाइन बिल्कुल ना लेना, बीच में जाओ तो सामने से आपको दर्शन मिलते हुए चले आएंगे। राइट वाले में सामने से दूर से दर्शन मिलते हुए नहीं आएंगे, क्योंकि पिलर आ जाएगा, आप ऐसे घूम घूम के जाओगे, और सीधे वाले में खूब देर तक आप बिल्कुल निहार सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। तो हालांकि हम लोग ने देखा, दर्शन ही करने मेन मोटिव था, अच्छे से देखा, श्रृंगार किए हुए भगवान थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, थोड़ा अंदर की तरफ थे, दूर थे और श्रृंगार किए हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मजा आया, ओवरऑल मजा आया। गर्मी बहुत थी और ऊपर फ्लैग चेंज हो रहा था, वो भी देखा भाई, वो देखना बहुत जरूरी है। और 6 बजे होता है, 6 बजे लकली हम लोग बाहर आ गए थे। और थैंक यू, आपको नहीं खाना है, ठीक है, ये प्रसाद मिला है वो मैं खा लेता हूँ। वो ऊपर फ्लैग भाई, जो भक्त चढ़ रहा है वो तो हिम्मत वाला भक्त है, भगवान का आशीर्वाद उसी पर, बिना किसी कुछ बांधे बांधे वो सबसे ऊपर चोटी पर चढ़ा, उसने फ्लैग चेंज किया, फ्लैग फहराया, जैसे फ्लैग फहराया हवा से वो फ्लैग पूरा खुला, और जो अंदर प्रसाद में फल वो थे, फल कह रहा हूँ, फूल थे, वो सारे बिखर गए। बहुत अनुभव बहुत अच्छा था। बाहर शॉप ऑफ है, एक टाइप का मेला छोटा सा लगा है, आप भगवान की मूर्ति, प्रसाद, सिंदूर, कपड़े वपड़े, खिलौने, बहुत चीज़ें खरीद सकते हो। तो अच्छा था ओवरऑल, हम लोग घर वापस आ गए, आने के बाद आपने देखा हम लोग वहाँ भी गए, ये बीच पे, वहाँ भी अच्छा रहा, क्लीन वाटर, साफ पानी, अच्छा बीच, ओवरऑल इट वॉज अ गुड एंड पॉजिटिव डे, अच्छा लगा, मज़ा आया। और कल देखते हैं, यहाँ पे नागेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग है, भगवान श्री शंकर जी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पे है, करीब 25-30 किलोमीटर है, तो सुबह वहाँ पे जाएंगे दर्शन करने, और कल का दिन हम लोग ऐसे स्पेंड करने वाले हैं। और भी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे मेरे आने वाले वीडियो का आपको एक्सेस मिल पाए, आप देख पाओ कि अगर आप आ रहे हो तो यहाँ क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आप मुझे कमेंट कर दो, मैसेज डाल दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान श्री शंकर के, शिव शंकर के ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।